हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर है, यानी कि पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करना है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में अब तक हमने सीखा कि ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हमने पावर फ्लो इक्वेशन और रिसीविंग एंड सर्कल डायग्राम के बारे में सीखा। अब हम ट्रांसमिशन लाइन के सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में सीखेंगे। और सिंगल लाइन डायग्राम और इम्पीडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम, ये तीनों के बारे में हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद हम जो पर यूनिट सिस्टम है ट्रांसमिशन पर यूनिट सिस्टम है पावर सिस्टम में, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि सिंगल लाइन डायग्राम जो है उसकी ज़रूरत क्या है। तो हमें मालूम है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और पावर सिस्टम, हमारा जो पूरा पावर सिस्टम है जनरेशन से लेके कंज्यूमर एंड तक, ये पूरा पावर सिस्टम जो है वो थ्री फेज में पावर सिस्टम है। ऑल्सो जो ये पावर सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट जो है वो जनरेशन से लेकर कंज्यूमर एंड तक अलग अलग कंपोनेंट हमारे पास होंगे और अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग सिंबल होंगे। और तो वो जो अलग अलग कंपोनेंट है और थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, उन सबको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे किसी सिस्टम को, पूरी सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा कि पूरी सिस्टम जो है वो बड़ी, हमें जो उसकी जो डायग्राम मिलेगा वो लार्ज मिलेगा और उसकी जो कैलकुलेशन भी मिलेगी वो हमें बहुत लार्ज मिलेगी। लेकिन हमें पता है कि जो थ्री फेज सिस्टम है, अगर बैलेंस कंडीशन में थ्री फेज सिस्टम हो तो जो तीनों के तीनों फेज है उसमें सभी वैल्यू जो है वो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करना है तो वो हमें एक फेज लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें हम सब कंपोनेंट है उसको हम एक ही फेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और सर्च डायग्राम इज नोन एज सिंगल लाइन डायग्राम। सो इस डायग्राम को हम सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम ट्रांसमिशन लाइन का देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर में हमारे पास देख सकते हैं कि जनरेटर है, सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसफॉर्मर है और ये मोटर है। और ये जो है वो न्यूट्रल, ये जो है हमारा जो है जनरेटर है उसके कनेक्शन है और ये जो है वो मोटर के कनेक्शन हमें दिखाए गए हैं। ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें हम जो भी मेन कंपोनेंट है हमारे, वो सभी कंपोनेंट जो है उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में ले लेते हैं। और उसके जो रेटिंग है यानी आउटपुट रेटिंग, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, उन सब की वैल्यू जो है वो भी हम सिंगल लाइन डायग्राम में कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट है उसकी ज़रूरत हमें पर्टिकुलर कोई भी स्टडी के अंदर या फिर पर्टिकुलर जो पावर सिस्टम के अंदर जो एरिया है उसमें अगर हमें कोई भी चीज़ जो कोई भी कंपोनेंट है उसकी ज़रूरत ना हो तो वो कंपोनेंट जो है उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में ड्रॉ नहीं करते। यानी कि अगर हमारे जो ये जो सब कंपोनेंट है, यानी कि अगर जो सर्किट ब्रेकर की ही बात करें तो सर्किट ब्रेकर जो है वो, अगर लोड फ्लो स्टडी की हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें सर्किट ब्रेकर जो है उसको ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसी तरह प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन स्टडी में हम सर्किट ब्रेकर जो है वो उसकी ज़रूरत होगी हमें, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। उसी तरह कई बार सम केसेस में ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके कंडक्टर साइज और उसकी जो स्पेसिंग है उसको भी सिंगल लाइन डायग्राम में इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा सिंगल डायग्राम है, उसमें हमने जनरेटर, मोटर और ट्रांसफॉर्मर सभी
चीज़ों को लिया हुआ है, उसके साथ हमने दोनों कनेक्शन भी लिए हुए हैं जनरेटर और मोटर के, और जो सर्किट ब्रेकर है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक से हमने लिया हुआ है। जो ये सारे जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, ये सारे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन और मोटर, सभी के जो रेटिंग है वो जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है उसके नीचे हमें दिए गए होंगे, या हम ड्रॉ कर ये जो सारे रेटिंग्स है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यानी कि जनरेटर जो है वो 40 MVA, यानी जनरेटर का रेटिंग है, ये उसके रिएक्टेंस का वैल्यू है और ये वोल्टेज का वैल्यू। उसी तरह मोटर, ट्रांसफॉर्मर, अदर ट्रांसफॉर्मर, सभी की वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पर। सभी की जो वैल्यू है वो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है उसके नीचे हम लेते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। तो पहले हमने सिंगल लाइन डायग्राम जो है उसके बारे में सीखा, और सिंगल लाइन डायग्राम में एक्चुअल में सिंगल लाइन डायग्राम हम क्यों लेते हैं कि हमारे जो पूरी 3 फेज सिस्टम है उसको हम सिंगल फेज सिस्टम के अंदर ड्रॉ करते हैं, और जो भी हम ड्रॉ करते हैं, मतलब कि जो पूरी सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड, हमें 3 फेज सिस्टम है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, और उस सिस्टम को हम सिंगल फेज में ड्रॉ करते हैं, यानी सिंगल फेज सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो ही सिंपल मिलता है। लेकिन अगर फर्दर हम जो है फर्दर अगर पावर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो लेते हैं। तो ये जो इम्पीडेंस डायग्राम है वो सिंगल लाइन डायग्राम का भी सिंप्लीफिकेशन है। तो पहले हमने जो आगे सिंगल लाइन डायग्राम देखा, उस सिंगल लाइन डायग्राम से हम इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो इम्पीडेंस डायग्राम है उसमें जो सारे कंपोनेंट है उसको हम उसकी इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने सारे जो कंपोनेंट है उसको इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू से रिप्रेजेंटेट किया हुआ है। तो सिंक्रोनस जनरेटर है, एक्चुअल में सिंक्रोनस जनरेटर और जनरेटिंग स्टेशन है, उसको हम सीरीज इम्पीडेंस और सीरीज रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और उसके साथ जो वोल्टेज सोर्स है उसको सीरीज में ले लेते हैं। यानी कि जनरेटर है उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए जनरेटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस, जनरेटर का रिएक्टेंस और वोल्टेज सोर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं। ये पूरा जो है वो हमारा जनरेटर जो है उसको रिप्रेजेंटेट करेगा। फिर ट्रांसफॉर्मर जो है उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की इक्विवेलेंट सर्किट हम ले लेते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर जो सेकेंडरी प्राइमरी जो रेजिस्टेंस है और जो नो लोड वैल्यू जो है उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू हम इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफॉर्मर की वो पूरी जो है ट्रांसफॉर्मर की ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर 1 है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर 2 है, दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जो लोड है उसको रिप्रेजेंट, लोड जो एक्चुअल में होगा वो पैसिव होगा, और उसको रिप्रेजेंटेड करने के लिए हम इंडक्टिव और रजिस्टिव को सीरीज में ले लेंगे, और उसके साथ जो हमारी मोटर है उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पैसिव लोड लिया हुआ है, मतलब एक्चुअल में हम जो रोटेटिंग जो लोड है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसको ही कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने जनरेटर में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स लिया था, उसी तरह हम लोड के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और जो मोटर है उसका सिंबल लेंगे, यानी ये जो है वो हमें मोटर रिप्रेजेंटेड करेगा। और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पाई इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाई इक्विवेलेंट सर्किट ले लिए है, जो हमने पाई नेटवर्क मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सीखा था वही पाई नेटवर्क यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, यानी टू हाफ कैपेसिटर, और ये हमारा इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस डायग्राम है, और इम्पीडेंस डायग्राम जो है उसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो हम बैलेंस सिस्टम में से ड्रॉ करते हैं। यानी सिंगल लाइन डायग्राम जो है हमारा उसमें से हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब कि
सिंगल लाइन डायग्राम वो है पॉजिटिव डायग्राम, वो है बैलेंस थ्री फेज सिस्टम जो है उसमें से सिंगल लाइन डायग्राम हमने बनाया है और उसी में से हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाते हैं, इसलिए उसे हम पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम भी बोलते हैं। अगर हमारे सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो तो हम जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों के साथ तीनों डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। और ये सेपरेट जो इम्पीडेंस डायग्राम है उसका यूज जो है वो हम शॉर्ट सर्किट स्टडी के अंदर करते हैं कि जहाँ पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे पास हो और बैलेंस जो है वो और ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अनबैलेंस हो उस वहाँ पर हम जो है पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस जो इम्पीडेंस डायग्राम है उसका यूज जो है वो शॉर्ट सर्किट स्टडी के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पर हम रिएक्टर डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो पहले हमने सिंगल लाइन थ्री फेज सिस्टम जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम थे उसको हमने सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर लिया। फिर वो जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें से हमने इम्पीडेंस डायग्राम बना लिया। अब वो जो इम्पीडेंस डायग्राम है उसका अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें रिएक्टेंस डायग्राम मिलेगा। तो रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा पहले ये देखते हैं। तो रिएक्टेंस डायग्राम फाइंड करने के लिए हमें कई सारे एजम्पशन जो है वो लेने होंगे, यानी कि जो रेजिस्टेंस है रिएक्टिव डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो रेजिस्टेंस है कौन से रेजिस्टेंस होंगे, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर आर्मेचर, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस, लाइन चार्जिंग एंड द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये सब जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हम रिएक्टेंस डायग्राम में नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो इम्पीडेंस है उसमें से हम इम्पीडेंस के अंदर इंडक्टिव और रिएक्टेंस रिएक्टिव वैल्यू है और रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो ये जो रेजिस्टिव वैल्यू है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जनरेटर है उसके रिएक्टेंस की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मर है उसके रिएक्टेंस की वैल्यू, ट्रांसमिशन लाइन है उसके रिएक्टेंस की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस वैल्यू और मोटर की रिएक्टेंस वैल्यू। तो ये जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो रिएक्टेंस डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तब हम रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5% जो है वो एरर मिलती है हमारी कैलकुलेशन के अंदर। यानी कि जो हमें एरर मिलती है वो कई पावर सिस्टम के अंदर ये जो एरर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे जो रिएक्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, इसलिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू के 50% हो, तो जो भी रिएक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के 50% मिलती है हमें तो जो एरर उससे जनरेट होती है कैलकुलेशन के अंदर वो 12% तक हमें मिलती है। और ये जो एरर जो प्रोड्यूस हुई है कैलकुलेशन के अंदर उसके कारण जो हमें पैरामीटर मिलते हैं उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, और पैरामीटर की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है उसके कारण हमें जो प्रोटेक्टिव सिस्टम जो हमने ट्रांसमिशन लाइन के लिए जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में या पूरी पावर सिस्टम में हमने जो प्रोटेक्टिव सिस्टम लिए है वो प्रोटेक्टिव जो सिस्टम के जो प्रोटेक्टिव अपैरेटस है उसकी वैल्यू भी हम हायर जो है वो ले लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा वैल्यू के हमें जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हम जो ये सिस्टम है उसको हम अगर रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो रिएक्टेंस की वैल्यू के 1/3 हमें मिले तो ही हम ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू 1/3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/3 ऑफ रिएक्टेंस वैल्यू हम लेते हैं। Now we find the percentage resistance and reactance
and base kV and kV. So first of all, we see the percentage resistance. So now we know that a resistance and reactance are expressed in a percentage form or an ohmic form. In case of some rotating machine or transformer, the manufacturer gives us a percentage value, and sometimes there are mixed value there, sometimes ohmic value also there, and also a percentage value are also there. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू जो है वो हमें या तो परसेंटेज में हम लेते हैं या फिर ओहमिक टर्म्स में लेते हैं. तो मैन्युफैक्चर जो है वो कई बार हमें मिक्स वैल्यू भी देता है. तो हमें जो कैलकुलेशन एक्चुअल में करनी है वो कैलकुलेशन या तो ओहमिक में हम कर सकते हैं या फिर परसेंटेज में हम कैलकुलेशन जो है वो करते हैं. ये परसेंटेज कैलकुलेशन जो है उसका मतलब उसका हम यूज़ क्यों करते हैं. हमारी पूरी सिस्टम है उसके जो वोल्टेज और जो केवी है और केवी की जो वैल्यू है वो पूरे सिस्टम जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर जनरेटर या फिर ट्रांसमिशन लाइन ये सब के लिए जो है वो अलग अलग हमें मिलती है, और उसके जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमें अलग अलग मिलती है. तो ये जो वैल्यू है वो हम एक बेस केवी है या फिर बेस केवी के लिए हम उसकी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में हम चूज करते हैं. और जो सारे जो कंपोनेंट है ट्रांसमिशन लाइन के जो सारे जनरेटर हो या ट्रांसफॉर्मर हो या फिर कोई भी जो ट्रांसमिशन लाइन जो पावर सिस्टम के कंपोनेंट है उसको वैल्यू जो है वो परसेंटेज रिएक्टेंस या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस में हम लेते हैं. फिर तो परसेंटेज रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं. तो परसेंटेज रेजिस्टेंस यानी क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंस एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वोल्टेज व्हेन कैरिंग फुल लोड करंट. यानी कि जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है और जो नॉर्मल वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज है उन दोनों के जो रेशियो है उसे हम परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू बोलते हैं. यहाँ पर जो I है वो हमारा फुल लोड करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है और V जो है वो हमारा रेटेड वोल्टेज है. यानी कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन में जो भी नॉर्मल रेटिंग के लिए ट्रांसमिशन लाइन में जो भी ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप और वोल्टेज का जो रेशियो हमें मिलता है उसे हम परसेंटेज रेजिस्टेंस बोलते हैं. उसी तरह परसेंटेज रिएक्टेंस की बात करते हैं तो परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो परसेंटेज रेजिस्टेंस की तरह ही हम फाइंड करते हैं. एंड इट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गिवन रिएक्टेंस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वोल्टेज व्हेन कैरिंग द फुल लोड करंट. वोल्टेज ड्रॉप है जो हमारा रिएक्टेंस के कारण मिलता है वो वोल्टेज ड्रॉप, और रेटेड वोल्टेज जो है उससे उसका जो रेशियो है वो हमें परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू मिलती है. अब नेक्स्ट जो है वो हम बेस केवी की बात करते हैं. तो हमने पहले बताया उसी तरह पावर सिस्टम है उसमें हम नंबर ऑफ इक्विपमेंट यानी कि जनरेटर है ट्रांसफॉर्मर है ट्रांसमिशन लाइन है उन सब को हम यूज़ करते हैं, और सारे जो हमारे कंपोनेंट है वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और उन सब जो इक्विपमेंट है उन सब के परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस सबके होते हैं. और परसेंटेज रिएक्टेंस और परसेंटेज रेजिस्टेंस है उन सब कंपोनेंट के वैल्यू जो है वो उनके पर्टिकुलर केवीए के लिए होती है. तो ये जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर केवीए के लिए होती है. तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सभी के केवीए रेटिंग अलग अलग है. तो उसका हम कंपेरिजन जो है वो सभी परसेंटेज रिएक्टेंस का हम कर नहीं सकते. उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे जो सिस्टम है उसको हम कॉमन बेस केवीए में हम कन्वर्ट करते हैं, और कॉमन बेस केवीए में कन्वर्ट करने के बाद उन सबके जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम कॉमन फाइंड करते हैं. तो ये जो बेस केवी है वो पहले तो कैसे डिसाइड करते हैं. तो बेस केवी है जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर
बेस केवीए वो या तो लार्जेस्ट यूनिट जनरेटिंग जो यूनिट हम अलग अलग इंटरकनेक्टेड होंगे उसमें से जो लार्जेस्ट यूनिट है उसको हम बेस केवीए कंसीडर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे केवीए रेटिंग है टोटल उन सब के सम भी हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कोई भी आर्बिटरी वैल्यू जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवीए रेटिंग जो है केवीए की बेस केवीए की वैल्यू हम कोई भी चूज करें उससे जो हमारे कैलकुलेशन है उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम हमारे जो पूरे सिस्टम है हमारे जो पूरे जो इक्विपमेंट है उन सबको अलग अलग केवीए में से बेस केवीए में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उन सब के हम परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू बेस केवीए के अनुसार फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू बेस केवीए के अनुसार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, सो बेस केवीए डिवाइड बाय रेटेड वैल्यू रेटेड केवीए। तो पहले हमारे जो रेटेड केवीए था वो, फिर बाद में हमने जो बेस केवीए लिया वो, उन दोनों का रेशियो और परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, जो पहले रेटेड केवीए था उसमें हमने जो परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड किया हो उससे हम जो बेस केवीए के लिए नया रिएक्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि अगर 10,000 केवीए जो है वो रेटेड केवी है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो 10,000 केवीए के लिए काम करता है और उनके अंदर जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो 7.5% है, यानी परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या मिली हमें 7.5%। अब हमें नया जो रिएक्टेंस है बेस केवीए के लिए फाइंड करना है, तो अगर बेस केवीए जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि हम कोई भी ले सकते हैं, इसलिए हमने 25,000 जो है वो बेस केवीए अज्यूम किया, तो नया जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले बेस केवीए यानी यहाँ पर बेस केवीए 25,000, रेटेड केवीए यानी 10,000 और इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए यानी 7.5, और हम जो परसेंटेज रिएक्टेंस है नया बेस केवीए के लिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने बेस केवीए जो है उसके बारे में हमने देखा उसी तरह हम जो है वो बेस केवी है, यानी कि अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने पता है कि अलग अलग जो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और जो अदर इक्विपमेंट है उसके अंदर जो वोल्टेज होंगे वो डिफरेंट वोल्टेज होंगे। सो रिएक्टेंस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारे ओहमिक वैल्यू है रिएक्टेंस की उसको हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज वैल्यू के जगह पर। सो उस मेथड में क्या होता है कि कई जगह पर हमें जो ये रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो उस मेथड से हमें सिंपली मिल जाती है, लेकिन सेम वोल्टेज के लिए अगर स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो या फिर अदर इक्विपमेंट के जो वोल्टेज हो उन सब की जो ओहमिक वैल्यू है वो ओहमिक वैल्यू को हमें बेस वैल्यू में पहले कंसिडर करना होगा। सो द रिएक्टेंस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन ऑपरेटिंग वोल्टेज टू अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन। सो ये जो रिलेशन है उससे हम एक ऑपरेटिंग वोल्टेज से दूसरे ऑपरेटिंग वोल्टेज पर रिएक्टेंस वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम जो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो एक ऑपरेटिंग वोल्टेज से दूसरे ऑपरेटिंग वोल्टेज में जो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पावर सिस्टम जो है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हमने देखा इम्पीडेंस डायग्राम, फिर रिएक्टेंस डायग्राम, फिर बेस केवीए और परसेंटेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में देखा। अब अगले लेक्चर के अंदर हम पर यूनिट जो मेथड है उसके बारे में देखेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, कैसे पर यूनिट जो सिस्टम है वो काम करता है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।